नाथनगर में दबंगों की धमकी से स्कूल बंदी का 10वां दिन सदर एसडीओ ने स्कूल पहुंच कर लिया जायजा। सोमवार तक स्कूल खोलने का दिया निर्देश। भागलपुर के नाथनगर स्थित मुनिराम खेतान मध्य विद्यालय को बीती 11 मई से बंद रखने की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन ने आज संज्ञान लिया। स्कूल को बंद करने वाले प्रधानाचार्य को निलंबित करने के बाद आज एसडीएम डीपीओ सीओ व स्थानीय पुलिस स्कूल पर पहुंचे, साथ ही शिक्षकों को बुलाकर उनके साथ बैठक की। वहीं एसडीएम ने सोमवार को हर हाल में स्कूल खोलने का निर्देश दिया। सोमवार को अगर स्कूल नहीं खुलता है तो शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि स्कूल को बंद रखने का अधिकार किसी को नहीं, प्रधानाचार्य पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही सोमवार को स्कूल खुलेगा। आपको बता दें कि मुनिराम खेतान मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल पंकज मोसस ने पास के ही विक्रांत शाह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बैठक में आकर स्कूल में नरसंहार की धमकी दी थी। इसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया। वहीं उन्होंने सभी शिक्षकों को साथ कर स्कूल में ताला जड़ दिया था। आज 10वां दिन है, स्कूल बंद है, ऐसे में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। को भी सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पे स्कूल बंद है, तो डीएम सर के निर्देश पे हम लोग आज यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि जो भी इनकी समस्याएं थी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि कोई एक विक्रांत कुमार करके हैं, उन्होंने इनको धमकी दिया है। तो फिर हम लोगों ने इनसे पूछा भी कि क्या थाना वगैरह में आवेदन दिया गया, तो इनके द्वारा बताया गया कि आदमपुर थाने में दिया गया। हम लोग ने उसका भी अपडेट लिया है, 15 तारीख के डेट में इन्होंने आवेदन दिया है और उस पर भी जाँच चल रही है, और जो भी उसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जांच भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहां तक स्कूल बंद होने की बात है तो ये निश्चित रूप से गलत है। ये सरकारी कर्मी है और इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये स्कूल बंद रखे। 10वां दिन है, जैसे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने कार्यालय को बंद रखूँ, और अगर मैं रखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँ। जांच का विषय है और पुलिस अपना जांच कर रही है। सर, शिक्षकों इस दिशा में कुछ देखिए, फिर वही हम बोलेंगे कि जो उन्होंने जो आवेदन दिया है उसकी जांच कराई जा रही है। पूर्व में भी जो से सूचना मिली है, 1.5 वर्ष पूर्व उनमें FIR दर्ज किया गया था, उसमें भी जांच की गई, उसमें सुसंगत धारों में FIR लॉन्च किया गया, चार्जशीट दायर हुई, फिर संबंधित आदमी जेल भी गया, आज वो बेल पे है। तो ये चीज़ तो कोर्ट में है ना कि कौन है दोषी है या नहीं। स्कूल खोला जाना ही है, स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। अभी आप ऐसे किसमें सामने की आवश्यकता नहीं है, उनका दायित्व है, उनको करेंगे, नहीं तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई के लिए उसके भागीदार रहेंगे। क्या फिर किसी शिक्षक पे कार्रवाई हुई है? शिक्षक पे कोई कार्रवाई भी चलेगा अभी जो शिक्षक नहीं आते? निश्चित रूप से जो अभी इस जो पीरियड में जब वो नहीं आए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, और जो उसमें जो भी विभाग का नियम है उस पीरियड के लिए वो कार्रवाई होगी। निलंबित मान ले सर हम लोग? नहीं, जो विभाग का चीज़ है वो जो विभाग का उसमें दायित्व तो है। अब एक दिन कोई दो दिन नहीं आता है तो उसको निलंबित थोड़े कर दिया जाता है, उसका नियम है। डीपीओ साहब का चीज़ को भी निलंबित किया गया? हाँ, तो उनका एक वो कारण है, वो डीपीओ साहब आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और उन पे उनका कुछ प्रमाण पत्र जांच के लिए भी आया है, उनको 3 बार नोटिस किया गया है परंतु वो अनुपस्थित रहे हैं, उसके आलोक में उनको निलंबित किया गया। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए, हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया भागलपुर, 9661904817, 9934433194।